हेलो फ्रेंड्स, शिवांगी किचन न्यू में आपका बहुत और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पहाड़ी चावलों की खीर। बहुत ही टेस्टी होती है और इसका एक अलग ही स्वाद, अलग ही फ्लेवर होता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे हम एक कटोरी ले लेंगे और चावल मोटे होते हैं और हल्के से लाल रंग के होते हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं। इनको जैसे इनका चावल बनाए जाते हैं ये, तो इनमें दूध का जैसा स्वाद खुद ही आ जाता है बिना दूध डाले हुए। तो ये लाल रंग के होते हैं हल्के से और इनको हम थोड़ा 5-10 मिनट भिगाने के लिए रख लेंगे। और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर रख लिया है चूल्हे में, इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है और अब हम इन चावलों को इसमें डाल देंगे और हल्का सा भून लेंगे इनको। बहुत ही टेस्टी खुशबूदार चावल होते हैं ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसमें पानी डाल दिया है, पानी थोड़ा, ये मोटे चावल हैं तो ज़्यादा लेते हैं। और अब मैं इस पे कुकर पे ढक्कन लगा लूँगी और देखिए यहाँ पे मेरा ढक्कन भी नहीं लग रहा है क्योंकि आगे से कैमरा है तो कैमरे को गिरने का डर भी हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे 2 सीटी आने के बाद चावल और एकदम से खिले खिले से चावल बने हैं। तो यहाँ पे हमारे चावल अच्छे से, और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। यहाँ 2 गिलास दूध लिया है और पहले चावल पक रखे हैं तो 2 गिलास दूध काफ़ी है। नहीं, पानी की जगह भी दूध ही यूज करते हैं लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा महंगे तो अगर आप पूरा दूध भी लेना चाहें ले सकते हैं। अब मैं इसको धीरे धीरे मिला लूँगी मीडियम फ्लेम पे। हमने गैस को रखा हुआ है जिससे कि नीचे प्रेशर के चावल न लगे। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी स्वाद के अनुसार चीनी और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है क्योंकि हाई फ्लेम पे बार बार दूध को उबाल आ जाएगा और दूध जल्दी सूख भी जाएगा और खीर अच्छे से बनेगी नहीं। तो यहाँ पे हमें प्रेशर पर ढक्कन नहीं लगाना है, एक है ऊपर से और मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में हम इसको ऐसे चलाते रहेंगे। लगभग 10-12 मिनट बाद हमारी खीर बहुत ही बन के तैयार हो जाती है और स्पेशली ये चावल खीर के लिए होते हैं। बहुत ही टेस्टी और इसका अपना अलग ही स्वाद होता है। इसमें एक्स्ट्रा हमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती है जैसे काजू बादाम वगैरह, क्योंकि उसमें इसका स्वाद दब जाएगा। तो बस इस तरीके से लगभग 10-12 मिनट के बाद यहाँ पे हमारे खीर अच्छे से पक चुकी है। आप देख सकते हैं अच्छे से बुलबुले आ रहे हैं इसमें और ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, दूध को ज़्यादा नहीं सुखाना है क्योंकि ये दूध अपने आप ही कम हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक प्लेट में ले रही हूँ और ये थी हमारी आज की रेसिपी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक हेल्दी रहिए, टेक केयर एंड वेल डन। Thank you.